इसके छतरपुर में जो रंगरेज इसके नौवां में रंगरेज मोहल्ला है, छतरपुर में नया मोहल्ला है, महोबा से आज भी जहां पड़ा कटते हैं वहां से गाय कट के मांस आता है इसके छतरपुर में छाती पे, जहां पे इसके जो नेते हैं जो इसके विधायक हैं सबको पता है। हम चैलेंज करके कहते हैं कि जो गाय कट रही है समाज में, जो गाय काट रहे हैं, जो खा रहे हैं, दो चार को हनुमान जी जाए पैरालाइज कर दे। चौकड़ी जो संसद में रेपिस्ट मर्डर्स अपराधी बैठे हैं ये गेम खेल रहे हैं, धीरे तो कठपुतली की तरह बेचारा अपना जो भी है जादू मंत्र कर सरकारों के पक्ष में धीरेन्द्र शास्त्री जिन मंत्रियों की माला पहन रहे हैं उनसे क्यों नहीं कहते कि अरे सरकार हो, अरे धूर तो ये जो मंडी में तुम शराब और मांस का व्यापार, धीरेन्द्र शास्त्री जिन सरकारों के प्रोडक्शन में तुम ये अपना प्रचार कर रहे हो ये सरकारें ही दूसरी की भाषा बोलता है, ये कोई इसका कौन सा ये इसका ब्राह्मण थे कौन सा साधु थे, ये बूर्ख है बदतमीज। भारतीय अपराधियों को गौ तस्करों को माला पहना रही है, कहां रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी तो कह रहे विश्वगुरु बनने वाला है भारत। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जो भी है, धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा है, बढ़िया है, वो दरबार लगा रहा है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा है, सनातन की बात करता है, राम नाम का कम से कम लोगों से जाप करवा रहा है। उस युवा से भी हम कहना चाहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री नाम के युवा से कहना चाहते हैं कि अरे धीरेन्द्र शास्त्री जिन सरकारों के प्रोडक्शन में तुम ये अपना प्रचार कर रहे हो ये सरकारें ही धूर्त हैं, ये सरकारें ही समाज को विखंडित करके और समाज में हिंदू से मुसलमान को डरवा रही है। धीरेन्द्र से हम बताना चाहते कि बच्चा ये मुद्दा ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, मुद्दा तो पूरी धरती पे अज्ञान का है और अज्ञान के कारण शैतान का है। ये चंडाल चौकड़ी जो संसद में रेपिस्ट मर्डर्स अपराधी बैठे हैं ये गेम खेल रहे हैं, धीरेन्द्र तो कठपुतली की तरह बेचारा अपना जो भी है जादू मंत्र करके समाज को, ये समाज तो बेचारा क्या है ये भटक रहा है समाज, भटकाव है समाज का। तो कहीं भी अगर कोई उसे कौतूहल दिखता है तो लोग चले हुमस लागे, हजारों लोग ऐसे आते हैं दरबार से जिनकी ना कोई समस्या का निस्तारण होता है ना उनकी कोई पीड़ा मिटती है। तो भाई किसी का इत्तेफाक से भाई है ना तीर में तुक्का लग जाए तो तुक्के का तीर लग जाए तो बात अलग है, बाकी लोग जा रहे हैं वो लोग बता रहे हैं सच बताते हैं। अरे सच बताते तो हम भी तो ये कहना चाहते हैं कि अरे धीरेन्द्र शास्त्री इस देश की सरकारों से कहो कि तुम्हारा जो दोगलापन है चरित्र में, जब शराब अपराध की जननी है, शराब तुम्हारे ना हिंदू को हिंदू रहने देती है ना मुसलमान को मुसलमान रहने देती है, शराब तो इंसान को शैतान बना देती है। और जिन सरकारों के पक्ष में धीरेन्द्र शास्त्री जिन मंत्रियों की माला पहन रहे हैं उनसे क्यों नहीं कहते कि अरे सरकार हो, अरे धूर तो ये जो मंडी में तुम शराब और मांस का व्यापार करते हो, यदि तुम इस धरती पे कृषि फलों का व्यापार करो, भारत की तो एक एक इंच जमीन उपजाऊ है। उमा भारती तो खुलकर विरोध कर रही है सरकार, बैकफुट पर भी आई है। अरे वो उमा भारती जो कहती थी कि हम गंगा को नहीं बचा पाए तो अपनी जान दे देंगे डूब करके, अगर कागज की गाय को भी किसी ने फाड़ दिया तो हम उसे फाड़ देंगे, वही उमा भारती अपराधियों को गौ तस्करों को माला पहना रही है। ये तो डबल स्टैंडर्ड के धूर्त लोग हैं जी, इस भगवा को कलंकित करने वाले लोग हैं जी, ज्यादा मत पूछो। हम जानते हैं गोविंदाचार्य जी को, जानते हैं उमा भारती को, और कितने लोगों का नाम बता दें घबरा जाएंगे सब। अभी केदारेश्वर में झांसी का ही एक क्षेत्र है मगुरानी, हाँ जी, वहाँ उमा जी ने एक गौ चौपाल लगाई, ठीक है, चर्चा की, काम तो कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं? क्या शराब का विरोध कर रही हैं? अगर शराब का विरोध कर रही हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इस समाज को यदि जगाना चाहती हो उमा भारती हो, तुम खुद जागृत हो, अगर तुम स्वयं जागृत हो तो आओ हमारी आंखों में आंखें डाल के एक बार उमा भारती को लाओ अपने स्टूडियो के सामने और हमसे संवाद उमा भारती का करवाओ, तो हम उमा भारती को समझाएंगे तुम क्या समझाना चाहते हो, हम पूछे उमा भारती से, करेंगे हमारे साथ शास्त्रार्थ। उमा भारती जैसे जो लोग हैं जो भगवा के अंदर जो क्या बात करते हो नायक जी, ये सब के सब डबल स्टैंडर्ड दोगले लोग हैं जी। हम चैलेंज करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी को कि सनातन संस्कृति को बचाना तो सरकार से कहो कि कन्यादान वापस वैदिक रीति से होना चाहिए, जब तक बेटी रजस्वला नहीं होती थी तब कन्या कहलाती थी, रजो दर्शन के बाद महिला हो जाती है और वो फिर भटक रही है, बल्गैरिटी में जा रही है, दो दो चार चार बॉयफ्रेंड देख रही है और डिवोर्स के केस लाखों बढ़ रहे हैं देश के अंदर। ये सनातन संस्कृति की बात करते हैं मूर्ख, इनसे कहो कि पूरा वैदिक सदाचार लाओ तब भारत की भारतीय सनातन संस्कृति बचेगी। अरे मूर्खो तुम क्या राजनीति की भाषा बोल रहे हो, बखेरा आता नहीं और चले सनातन राष्ट्र बनाने, मूर्ख कहीं के गैया को डंडे मारते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हो रही है तो
क्या आपको ये लगता है धीरेन्द्र शास्त्री किसी राजनेता विशेष या किसी राजनीतिक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं? सच्ची बात तो ये है कि ये जो पूरा का पूरा जादू है, इस जादू ने आदमी को जो भी बताया है, समझाया है कि तुम्हारे आंगन के आगे नीम का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, तुम फलाने से तुम्हारी लवेरिया चल रहा है, तुम्हारा वहां इलू इलू चल रहा है, ये बदतमीजी की भाषा बोलता है। ये कोई इसका कौन सा ये इसका ब्राह्मणत्व है, कौन सा साधुत्व है, ये मूर्ख है, बदतमीज है। हाँ, ये सनातन संस्कृति की बात करेगा। ये तो कहते हैं हम तो वो बताते हैं जो मुझे अंदर से लगता है। अंदर से लगता है तो मुझसे कह रहे कि हनुमान जी से कहो, हनुमान जी का वो जो भ्रम कर रहा है, हनुमान जी जो इसके ऊपर बड़े द्रवीभूत हैं या इस पर कृपा बरसा रहे हैं, तो एक दो कसाईयों की गर्दन की नस ढीली करवा दे मुझे। हम नाम बता दे रहे हैं इसके, छतरपुर में जो रंगरेज, इसके नौवां में रंगरेज मोहल्ला है, छतरपुर में नया मोहल्ला है, महोबा से आज भी जहां पड़ा कटते हैं वहां से गाय कट के मांस आता है इसके छतरपुर में छाती पे, जहां पे इसके जो नेते हैं, जो इसके विधायक हैं, सबको पता है। हम चैलेंज करके कहते हैं कि जो गाय कट रही है समाज में, जो गाय काट रहे हैं, जो खा रहे हैं, दो चार को हनुमान जी जाए पैरालाइज कर दे। अरे राम की संतानों, तुम्हें राम का अंशज बनके राम के चरित्र को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पाखंडियों, हम चैलेंज करते हैं पाखंडियों को कि राम के अनुयायियों को राम का अंशज बनके प्रमाणित होना होगा। हमारे पूर्वज थे राम, हमारे परमात्मा थे राम, वो तब थे राम जब उन्हें असुर मार था पहीं सुरन, निज श्रुति पा रही से जग विस्तार रही विशद जस राम जन्म करे। हम कहते हैं धीरन शास्त्री, अगर तुम सनातन संस्कृति के संवाहक हो, ठीक है ना, तो हमें देखो भाई, ऐसा है कि इंफॉर्मेशन नॉलेज उसी का सत्य माना जाता है जो इंप्लीमेंट करता है, जो आचरण से प्रमाणित होगा वो सनातन संस्कृति का संवाहक है। ठीक, हम एक दिन धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए, हमने इसे कहा तेरा विवाह हो गया, बोला नहीं, ये चाय पिला रहा था हमको, हमका ब्रह्मचारी को चाय नहीं पीना चाहिए, तो इसने एक दोहा पढ़ दिया कि चाय महाराज, हम चाय नहीं पियेंगे तो हमारी तो नसें ढीली हो, उड़पटांग बोलता है बुंदेली भाषा, तो इसने एक दोहा पढ़ दिया। तो हमने इसे कहा ये तो वर्जित है, चाय तो दुर्व्यसन है, तो अंग्रेजी वो है, एक तरह से गुलामी है, बुरी आदत है, एक तो दुर्व्यसन के अंतर्गत आता है। तो अब जिस सब निरंकुश लोग हैं, इस समय मीडिया का खेल है जी, ठीक है, मीडिया ने, नेताओं ने इसको आगे कर दिया, इस समय उसको सरकारें प्रोटेक्शन दे रही हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए हिंदूवादी मानसिकता, ये जो हमारी भोली भाली जनता है इसको, ये तो कहते ना कि जाप कहावत है ना कि जिसकी थाली खो जाती है वो सुराही जो छोटे मुंह की होती है उसमें भी हाथ डालता है खोजने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो जनता है, कितने रोते चले आते, कितने पीड़ित हैं जो चक्कर काट रहे हैं पर उनकी कोई पीड़ा नहीं, कितने तो वहीं उसी के दरबार में होने का, मोबाइल चोरी हो रहा है किसी का, ही चोरी, अरे अगर इतना सब वहां पे ये सब है तो वहां पे सद्बुद्धि होना चाहिए ना सबके पास, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम इस आडंबरवाद में बहुत कम विश्वास रखते हैं। हम तो देश के नौजवानों से कहते हैं कि आओ राम के साथ खड़े होने वालों, संकल्प लो कि हम राम के, कृष्ण के अंशज वंशज हैं, हम राक्षसों को चुनौती देते हैं कि एक बार सृष्टि सृजन से आज आज तक, एक हमारे मित्र हैं रमाशंकर मनीषी, उनकी ये पंक्तियां हैं, सृष्टि सृजन से आज आज तक यह सिद्धांत अटल है, जीने का अधिकार उसी को जिसके हाथों में बल है।